Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. मैं हूँ प्रिया और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल CCC by Priya में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बूंदी का रायता परफेक्ट वे में बनाने की रेसिपी। देखिए, वैसे तो रायता बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन बूंदी का रायता थोड़ा सा ट्रिकी होता है। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, वो सभी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ आपकी प्रॉब्लम्स लाइक कि हम रायता बनाते हैं तो खट्टा हो जाता है, या फिर जो दही होता है वो क्रीमी फॉर्म में नहीं होता है, या फिर जो बूंदी का रायता होता है वो बहुत जल्दी से थिक हो जाता है। इस तरह की बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स अक्सर आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में जो ट्रिक्स, जो टिप्स मैं आपको दूंगी, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तब नेक्स्ट टाइम से गर्मियों के समय में ये बूंदी का रायता आपका बहुत ही परफेक्ट बनेगा। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट कि आप जो भी दही लें, दही कभी भी खट्टा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर दही देख सकते हैं कितना थिक जमा हुआ है। लुक एट दिस, कितना बढ़िया, एकदम बहुत ही परफेक्ट जमा हुआ है। और ये दही मेरे घर का ही है, थोड़ा येलो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये गाय के दूध का जमा हुआ दही है, लेकिन आप तब भी देख सकते हैं टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। तो गर्मियों के टाइम में ही अक्सर हम रायता या दही खाते हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी आप दही जमाएं, दही जैसे ही जम जाए तुरंत उसको फ्रीज में रख दीजिए। अगर आपने दही को बाहर छोड़ दिया तो दही खट्टा हो जाता है, और फिर आप अगर खट्टे दही का रायता बनाएंगे तो ये कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए दही आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी रायता भी परफेक्ट बनता है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दही ले लिया है रायता बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने दही निकाला है, उसके बाद भी आप देखिए जो बचा हुआ दही है ना, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आया है। यही खास बात है जो घर के जमे हुए दही की होती है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से मैं घर में दही जमाती हूँ, आप वो वीडियो भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही एकदम बढ़िया है, लेकिन दही को क्रीमी टेक्सचर देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चम्मच का ना यूज़ करें, बल्कि यूज़ करें इस विस्कर का। केवल 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप इस तरह से इसको घुमाएंगे तो दही आपका एकदम क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा, जो बहुत ज़रूरी होता है अगर आप रायता बना रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग रायता बनाते हैं, जो प्रॉब्लम जिन लोगों को आती है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैम, कि उनका जो दही होता है ना उसका टेक्सचर अच्छा नहीं होता है। तो दही का टेक्सचर भी बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आप कितना क्रीमी फॉर्म में है। तो रायता जब भी बनाएं तो इस तरह से क्रीमी फॉर्म में आपका दही होना बहुत ज़रूरी है। तो आप विस्कर का यूज़ कीजिए। विस्कर अगर आपके पास नहीं है तो अभी रिसेंटली मैंने शेयर की है दही भल्ले की रेसिपी, उसमें भी मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से आप क्रीमी टेक्सचर में दही बना सकते हैं छलनी का यूज़ करके। तो वो वीडियो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, चेक कीजिए। नाउ जो थर्ड पॉइंट आता है, जब भी हम बूंदी का रायता बनाते हैं तो आप इस तरह से पहले एक बर्तन में बूंदी निकाल लीजिए। आपको दही में डायरेक्टली ये बूंदी ऐड नहीं करनी है, उसके पहले आपको करना है कुछ एक बहुत ही ज़रूरी काम जो बूंदी का रायता बनाने में अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर बूंदी ली है, अब मैं इसको पानी से भरकर कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि बूंदी पानी में जाने के बाद या फिर दही में जाने के बाद फूल जाती है, और अगर आप डायरेक्टली इसे दही में भिगोकर रख देंगे तो फिर होगा क्या कि ये दही को सब सोक कर लेगी, और दही जो है आपका रायता जो बनने वाला था, जिसको आपने एकदम परफेक्ट फॉर्म में बनाकर रखा था, वो अचानक से ही गाढ़ा हो जाता है, और फिर जब आप गेस्ट को सर्व करते हैं ना तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप दही में ना भिगोकर बूंदी को पानी में भिगोकर रखिए, और जब आपको रायता बनाना है तब आप पानी से बूंदी निकाल कर इस तरह से दही में ऐड करिए। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, और 20 मिनट के बाद लुक एट दिस, बूंदी कितनी ज़्यादा फूल गई है। इसी चीज़ की मैं आपसे बात कर रही थी कि अगर आप 20 मिनट तक बूंदी को ऐसे ही भीगे छोड़ देंगे तो बूंदी फूल जाती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर आप दही में डालते तो दही को एब्जॉर्ब कर लेती, इसलिए ज़रूरी था कि हम इसे कुछ इस तरह से अलग से भिगो कर रखें। अब यहाँ पर दही हमने बिल्कुल तैयार कर लिया था, उधर बूंदी भी अच्छे से फूल चुकी है, तो बस अब आप कुछ इस तरह से
पानी से निकालते हुए बूंदी को दही में ऐड कीजिए। और जब आप इस तरह से बूंदी का रायता बनाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो बूंदी का रायता है वो बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में रहता है, ना ही ज्यादा गाढ़ा बनेगा ना ही ज्यादा पतला बनेगा, एकदम परफेक्ट टेक्सचर आएगा। तो जरूर ये वाली ट्रिक फॉलो कीजिए, बहुत काम की है। तो इस तरह से मैंने सारी की सारी बूंदी ऐड कर ली है दही में, और आप देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आ गया है। लेकिन अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। इसका दो फायदे हैं, एक तो कि दही को सोक नहीं किया, दूसरा हमने इसे पानी में भिगो कर रखा था तो जितनी भी ऑयलीनेस थी इसकी वो सब कुछ पानी में ही आ गई। हम रायते को बढ़िया सा बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे नमक। तो जब भी रायता बनाएं काले नमक का यूज़ कीजिए, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए, और बहुत ही ज़रूरी ये है भुने जीरे का पाउडर। बिना भुने जीरे पाउडर के तो आप कोई भी रायता सोच ही नहीं सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है भुना जीरा पाउडर का। तो ज़रूर ऐड कीजिए, सभी को आपस में मिक्स कीजिए। और यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अब विस्कर से इसको नहीं चलाना है, अब आपको केवल चम्मच से ही चलाना है, नहीं तो सारी की सारी बूंदी मैश हो जाएगी। तो चम्मच से मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा इसमें मैंने धनिया भी डाला है जिसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, और गर्मियों में ही अक्सर हम रायता खाते हैं तो ठंडक भी पहुँचाता है। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, लग तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन फाइनल करने के लिए ना मैं इसमें तड़का भी लगाती हूँ जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा घी लीजिए, उसमें ऐड कीजिए हींग, उसी के साथ ऐड कीजिए जीरा, और आप चाहें तो यहीं पर थोड़ा सा ना लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दीजिए, तो उससे कलर अच्छा आ जाता है, लेकिन आपकी चॉइस है, ऑप्शनल है। मैं फिलहाल यहाँ पर ऐड नहीं करूँगी, मैं केवल हींग और जीरा का ही तड़का लगाऊंगी। तो जीरा यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है, गोल्डन ब्राउन, और बस अब आप इसको डायरेक्टली ऐड कीजिए रायता में कुछ इस तरह से। तो बस जैसे ही आप जीरा ऐड करते हैं ना, तुरंत आप प्लेट ढक दीजिए ताकि जीरे की जितनी भी खुशबू है वो सब कुछ इसमें समा जाए। और फिर 5 मिनट के बाद अब हम सर्व करते हैं रायता। बस अब आप जीरे को मिक्स कर दीजिए रायते के साथ में, और आप इसको सर्व कीजिए। अगर आप अभी सर्व करने वाले हैं तो इसे इस तरह से सर्व कर सकते हैं, नहीं तो अगर सपोज कीजिए आपको आधे घंटे के बाद या फिर 1 घंटे के बाद सर्व करना है, तो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट जो आपको याद रखना है कि कभी भी रायता बनाकर किचन काउंटर पर मत छोड़िए, क्योंकि गर्मियों में दही बहुत ही जल्दी से खट्टा हो जाता है। इसलिए अगर आपको आधा या 1 घंटे बाद सर्व करना है तो इसे उठाकर फ्रीज में रख दीजिए, और जब आपके गेस्ट हैं तब आप इसको सर्व कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको 1 घंटे के बाद सर्व करना है रायता, तो इसमें नमक मिलाकर मत रखिए। नमक आपको उसी टाइम पर मिक्स करना होता है, नहीं तो ये जो रायता होता है वो खट्टा हो जाता है। इसलिए ये पॉइंट्स ध्यान रखने बहुत ही ज़रूरी हैं। लास्ट में बस आप इसको गार्निश कीजिए थोड़े से धनिया के साथ, और लीजिए आपका बूंदी का परफेक्ट रायता बनकर है बिल्कुल तैयार। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की बताई हुई टिप्स, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आज तक आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी ना रायता बनाने में, आई एम वेरी मच श्योर कि आज के बाद नहीं आएंगी अगर आप ये सारी बताई हुई टिप्स फॉलो करते हैं। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय एंड नमस्ते इंडिया, स्टे सेफ स्टे होम।